हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सक्सेसिव डेरिवेटिव में लीबनिट्स थ्योरम है और लीबनिट्स थ्योरम में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सक्सेसिव डेरिवेटिव प्रिपेयर कर रहे हो तो इस टॉपिक में से पक्का क्वेश्चन आएगा जी। सो स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, मैक्सिमम मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, 20 क्वेश्चन में। ठीक है, डेफिनेटली इन 20 में से आपको पेपर में आ जाएगा। सो सबसे पहले लीबनिट्स थ्योरम की डेफिनेशन, इफ यू एक्स एंड वी एक्स आर द टू रियल फंक्शंस, ईच पोजेसिज एनथ डेरिवेटिव, योर वी आपके कोई भी दो फंक्शन हो और दोनों एनथ डेरिवेटिव दोनों की निकल रही हो, ठीक है, तो उस केस में जो है आप क्या कर सकते हो, जो लीबनिट्स थ्योरम है वो क्या बोल रही है आपका। सो एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं जी। सो देखो, लीबनिट्स थ्योरम कह रही है अगर हमने यू और वी की प्रोडक्ट का एनथ डेरिवेटिव लेना है तो आपने लिखना है एन सी जीरो, यू का आपने एनथ डेरिवेटिव लेना है, वी आपने एज इट इज रखना है, फिर आपने एन सी वन लिखना है, यू का एन माइनस वन एनथ डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, तो यू का, ठीक है, इसको आप ध्यान से लिखो, मैंने लगता है यहाँ पे मिस हो गया, तो यहाँ पे आपने वी वन लिखना है। ठीक है, एन सी जीरो यू एन वी एन सी वन यू एन माइनस वन आपने वी वन लिखना है, यहीं पे आपने वी टू लिखना है। ठीक है जी, अल्टीमेटली ये एन माइनस वन और वन इनका टोटल एन बनना चाहिए। ठीक है, एन माइनस टू तो ये यू एन माइनस टू, ये वी टू, इनका टोटल एन बनना चाहिए, और लास्ट में एन सी एन यू एज इट इज तो वी एन, ये आपकी लीबनिट्स थ्योरम है जी। तो इसको यूज कैसे करना है, सबसे मेन चीज है कि इसको यूज कैसे करना है, सबसे जरूरी ये बात है। ठीक है जी, तो आपको क्वेश्चन एग्जांपल ले रहे हैं हम कैसे यूज करना है, क्योंकि डेफिनेशन तो हमने लिख दी, डेफिनेशन की एज इट इज कोई रेलेवेंस नहीं है अगर आपको यूज नहीं करनी आती। तो हमारे पास क्वेश्चन है जी, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन इंटू लॉग एक्स। ठीक है जी, इसको हमने शो दैट ऐसे करना है। सबसे पहले आप देखो कि आपने शो क्या करना है, अगर यहाँ पे एन प्लस वन है तो पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फिर आपने एनथ निकालना है। तो आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो आपने क्या करना है, वाई वन हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स रेज टू द पावर एन, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, वन बाय एक्स होता है, फिर एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है जी, लॉग एक्स हमने एज इट इज लिख लिया। सो ये आपका स्टेप नंबर वन हो जाएगा। ठीक है जी, सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने करना है कि ये जो पार्ट है आप इसको एलिमिनेट करके ना यहाँ पे वाई लिखे आओगे। हर क्वेश्चन में आपने ये सोचना है, आपने इसको एलिमिनेट करके ना यहाँ पे वाई लिखे आना है। सो वाई कैसे लिखे आओगे आप, बड़ा इजी है, ये तो आपकी एक्स एन माइनस वन हो गई, ठीक है, एक्स एन वहां पे एक निकल गया, यहाँ पे आपका प्लस साइन आ गया। ठीक है जी, ऐसे करो आप, यहाँ पे कर लो एन, यहाँ पे एक्स एन कर लो, डिवाइडेड बाय एक्स कर लो, तो सेम है ये एक्स एन माइनस वन, यहाँ पे आप लॉग एक्स लिख लो। ठीक है जी, ऐसा करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एन है, ये एन है, एन माइनस वन, वहां से वन निकालोगे तो एन माइनस वन तो लॉग एक्स, ठीक है, बट इस वैल्यू को आप वाई बोल सकते हो। तो इस वैल्यू को आप वाई बोलोगे तो आपकी जो वाई वन है ये आपकी रिड्यूस होगी, यहाँ पे एन माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। एक्स को आप एलसीएम ले लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्रॉस कर दो, वाई वन एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स जाएगा तो एक्स रेज टू द पावर एन आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा एन वाई। ठीक है जी, अब आपने, आपके पास जो सिचुएशन बन गई, अब आपने लीबनिट्स थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया, आप यहाँ पे देखो आपने प्रूव क्या करना है, अगर आपने एन प्लस वन प्रूव करना है तो पहले आप वन एथ डेरिवेटिव ले लो, पहला डेरिवेटिव ले लो, पहला डेरिवेटिव लो और उसकी इक्वेशन बना लो, और इक्वेशन में वाई जरूर इन्वॉल्व करना है जो क्वेश्चन का पार्ट है, अगर आपका वाई इन्वॉल्व नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है जी, तो ये हो गया, अभी आपने क्या करना है, अभी आपने लीबनिट्स थ्योरम लगानी है, और रिबलिस थ्योरम कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, तो आपको प्रोडक्ट रूल में लीबनिट्स थ्योरम लगानी है। अब आपको क्या करना है, आपने ये ख्याल रखना है, अभी आप देखो यहाँ से,
एन सी जीरो यू एन वी एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन। तो आप देखो आपका जो सेकंड फंक्शन है दैट इज वी, तो सेकंड फंक्शन आपको वो चाहिए जो टर्मिनेट इजी हो जाए। तो सेकंड फंक्शन आप पॉलिनोमियल रखो, पॉलिनोमियल टर्मिनेट इजी हो जाता है, ठीक है। टर्मिनेट मैंने जिसका डेरिवेटिव आपका खत्म हो जाए, तो आपने क्या करना है, आपने इनमें लगाना है, ठीक है। आप पहले को बोलोगे यू, आपको पहले को बोलोगे यू, दूसरे को बोलोगे वी। अभी आपने लिबनिट्स थ्योरम लगानी है, तो कैसे लगेगी, पहले लिखो एन सी जीरो, तो आपने एन सी जीरो लिख लिया, लिख लिया पहले का nth डेरिवेटिव, तो a किसके पास है, nth आपने कर दिया, तो yn माइनस वन हो गया। पहले का, पहले देखो nc0 लिख लिया, पहले का nth, nth कर दिया, दूसरे को आपने नहीं छेड़ना, दूसरे को आपने नहीं छेड़ना, तो x आपने लिख दिया। आगे आपको nc1 लिखना है, पहले का n माइनस वन, एक उसके पास है, n माइनस आपने वन किया, तो यहाँ पे n आ जाएगा, एक उसके पास है, ठीक है, एक डेरिवेटिव है n, आपने क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे n करना है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, तो पहले इसके पास एक था, आपने nth किया, तो n प्लस वन हो गया, अब आपने n माइनस वनth किया, ठीक है जी। तो आपका सेकंड स्टेप क्या होएगा, एन सी वन यू एन माइनस वन, यू एन माइनस वन में आपका जो वाई एन आ जाएगा, जो इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। सो पहले दो टर्म में आप देखो, यहाँ पे एन सी जीरो यू एन एनथ और वी एज इट इज एन सी, ठीक है, ए वन था, एनथ लिया, एन प्लस वन, एक्स आ गया, फिर एन सी वन आ गया जी आपका, ठीक है, साथ आपके वाई एन आ गया वन। इसके आगे ये नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा जी, क्योंकि वन का डेरिवेटिव इस स्टेप पे आके जीरो हो जाएगा, तो दो स्टेप में ये आपका हो गया। उसके बाद आपने इसका nth डेरिवेटिव लेना है, इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, n फैक्टोरियल, कैसे पता चला, ठीक है, n फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे होएगा, सेकंड डेरिवेटिव में एन माइनस वन आगे आ जाएगा, एक्स एन माइनस टू हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव में एन इंटू एन माइनस वन आ जाएगा, एन माइनस टू आ जाएगा, यहाँ पे एन माइनस थ्री आ जाएगा, लास्ट में ना nth डेरिवेटिव पे जब वन बन जाएगा, सो एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एंड सो ऑन वन, दिस इज एन फैक्टोरियल। तो ये एन फैक्टोरियल बन जाएगा, एन कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, इसका nth डेरिवेटिव करना है तो इसको आपने वाई एन बोल देना, ठीक है जी। सो ये आपकी लिबनिट्स थ्योरम हो गई तैयार, ठीक है। अब आपने क्या करना था, उसने कहा था शो दैट वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन की आपने वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू आराम से निकल जाएगी भाई, ठीक है। एन सी वन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ये वाई एन है आपका, तो एन सी जीरो वन हो गया आपका, तो ये हो गया वाई एन प्लस वन, यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। एन सी वन आपका एन हो गया, ये एन वाई एन हो गया, यहाँ पे n फैक्टोरियल हो गया, तो ये n y n हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि उधर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो y n प्लस वन की जो वैल्यू है, y n प्लस वन की, वो आ जाएगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है जी।